बड़वानी जिले में 3 दिन से घोषित लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बड़वानी कोतवाली क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान धारा 44 का उल्लंघन करने वाले 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। उनके वाहनों को चालान भी काटे गए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जिले में 1 अगस्त को 3 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया है। धारा 144 भी लगी है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन लोगों के घरों से रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन में घरों से निकलकर धारा 144 का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने इसे 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बड़वानी कोतवाली पर धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। बड़वानी सतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। ये देखिए, 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और उस लॉकडाउन में एसपी साहब के सख्त निर्देश है कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी के तहत आज पुनः जो है शहर के विभिन्न चौराहे जैसे कि कोट चौराहा, ओलंपिक चौराहा, पाटी नाका, चंचल चौराहा सभी दूर चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के दौरान अभी तक की स्थिति में अभी 4 FIR दर्ज हुई है और ऐसे 16 लोग हैं जो बेवजह बिना किसी कारण के लॉकडाउन का उल्लंघन करते बिगैर मास्क के घूमते पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ़ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो बिगैर मास्क के लोग हैं तो उन पर अभी ऐसे 15 लोग हैं जिनके खिलाफ बिगैर मास्क पहने मिले, तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।